तो इनको भी आपके वीडियो अच्छे लगते थे, हम आपकी पूरी वीडियो देखते हैं, आप और वीडियो बनाओ ऐसे, मतलब अच्छी लगती है। मैं मेरे घर वालों को भी दिखाता हूँ इनकी वीडियो, तो और भी लोग सपोर्ट करें, इनकी वीडियो अच्छी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ जयपुर। तो फ्रेंड्स, मैं जयपुर क्यों जाने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं जयपुर ही रहता हूँ, वहाँ पर ही काम करता हूँ। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले घर पर आया हुआ था, तो अब मैं फिर से जयपुर जा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बैग कर लिया है पीछे को तैयार, और अब मैं निकल चुका हूँ जयपुर के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गांव में क्या गजब हरियाली होती है, काफ़ी एकदम से सुनसान, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। भाई साहब, कोई छोड़ने वाला तो मुझको था नहीं, तो उस वजह से मैं पैदल ही आया हूँ, वरना अगर कोई घर पर होता तो बाइक से मुझको बस स्टैंड तक छोड़ देता, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पैदल ही चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर से करीब ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर बस स्टैंड है। तो ठीक है दोस्तों, बस स्टैंड पर चलते हैं। अब पता नहीं कितना लेट बस आएगी, वहीं पर भी वेट करना पड़ेगा। तो यार फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है यार गांव में रहना, एकदम से बिल्कुल चारों तरफ प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं गांव में, क्योंकि वही प्राकृतिक हरियाली, सब कुछ एकदम से, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। लेकिन क्या है यार, मजबूरी है शहर में रहने को, तो उस वजह से अपन को शहर में भी रहना पड़ता है, वरना यार कौन पसंद करता है शहर में रहना। तो मैं आपको गाँव के बाज़ार भी दिखाता हूँ, आप मेरे साथ देखते चलिए आखिर कैसे होते हैं गाँव के बाज़ार। शहर से तो काफ़ी डिफरेंट होता है, अब शहर के इतना तो डेवलप है नहीं गांव, तो उस वजह से। लेकिन एक चीज़ का और फायदा है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो उस वजह से ये गांव का कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। ये देखते चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ गांव में, ये इधर ईंटें वगैरह लगी हुई है, और उधर कुछ मिस्त्री वगैरह की दुकान है, और ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर वगैरह का काम होता है यहाँ पर। ये हमारे ठेकेदार साहब है, ये इनकी सीमेंट और ईंट की दुकान है, वंडर सीमेंट की एजेंसी ले रखी है इन्होंने। और जो ठेकेदार जी, क्या हाल है? बस ठीक है, दया है। बढ़िया है साहब? हाँ बढ़िया, काम धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ। अच्छा, चलो यही चाहिए। ठीक। तो ये इधर आप देख सकते हैं बल्ली फंटे वगैरह की दुकान है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल सा बाजार है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही होगी आपको, शहर से तो बहुत कम भीड़ होती है यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं चलती है। तो उस तो चलिए अब जल्दी से बस स्टैंड पर पहुंचते हैं और वहां पर बस का वेट करते हैं, पता नहीं कब बस आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है गांव का बाज़ार, ये दोनों तरफ ये दुकानें हैं, साधन खड़े हुए हैं बीच में, क्योंकि यहां पर एक चीज़ और है, यहां पर ये बुग्गे वगैरह बहुत चलते हैं, जिनको जुगाड़ बोलते हैं, देसी जुगाड़ अपने बना रखे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। और भाई साहब, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। किधर जा रहे हो? दुकान पर। दुकान है आपकी उधर खाद बीज की? बिल्कुल। चलो अच्छा है सर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जुगाड़ वगैरह कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, यहाँ पर जुगाड़ ज़्यादा चलते हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जुगाड़ चलते हैं, गांव का तो गांव का ही मज़ा होता है। क्यों? बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जुगाड़ खड़े हैं, मैं गिन के बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, अभी तो पीछे भी खड़े हैं 5 और 6, अभी तो एक गया है यहाँ से जुगाड़। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे को एक ये जुगाड़ मिल चुका है, तो ये मेरे को यहाँ से 10 किलोमीटर आगे तक लिफ्ट देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बैठते हैं। तो भाई साहब, ये भाई साहब मेरे को मिल गए हैं, इन्होंने 10 किलोमीटर का लिफ्ट दिया मेरे को, एक भाई साहब और बैठ रहे हैं इसमें। चलो बहुत अच्छा हुआ, बस का इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा।
तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सिकंदरा चौराहे पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, सब्जियों के ठेले, फल फ्रूट्स के ठेले वगैरह लग रहे हैं। और ये भाई साहब ने मुझे यहाँ तक ही लिफ्ट दी थी, और यहाँ पर ही मैं उतरूँगा और यहाँ से कोई बस वगैरह पकड़ूँगा मैं, थैंक यू करना चाहूँगा, बैठ के जाऊँगा। तो भाई साहब को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे को इन्होंने 10 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, तो धन्यवाद भाई साहब आपको। और एक बस भी शायद मेरे को मिल गई है, कल जयपुर जाएगी क्या? नहीं। तो 200 तक जाएगी? हाँ 200। लॉगिंग हो रही है भाई साहब। अच्छा आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हम भाई साहब 200 जा रहे हैं। 200 जा रहे हो, और बढ़िया पीछे पीछे बैठे हो यार। मैंने सोचा नहीं था कभी 200 जाऊंगा मैं। पहली बार जा रहे हो हैं? मजे ले रहे हो यार तुम लोग। सकते हो मैं बस में बैठ चुका हूँ अभी, तो पीछे पीछे मैं अकेला बैठा हूँ, ये दो भाई बैठे हुए हैं आगे। ये बस सीधा जयपुर तक तो जाएगी नहीं, 200 उतरूंगा यहाँ से, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा साधन पकड़ूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 25 किलोमीटर के लिए मुझे बस मिल चुकी है, वहाँ से फिर किसी दूसरे साधन में जाएंगे। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल व्यास है। अच्छा, तो मैं चाहता था कि आप मैं आपका मतलब यूट्यूबर सब्सक्राइबर था, तो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया, आप क्या मेरे साथ हाथ मिला के मतलब मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू यार भाई, थैंक यू, धन्यवाद सर आपके हाथ मिलती है। और ये कुछ मेरे दोस्त हैं जो आपके मतलब यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे, तो इनको भी आपके वीडियो अच्छे लगते थे, हम आपकी पूरी वीडियो देखते हैं, आप और वीडियो बनाओ ऐसे। थैंक यू यार ब्रदर, ओके आप ऐसे ही वीडियो बनाओ, मेरे को मतलब अच्छी लगती है, मैं मेरे घर वालों को भी दिखाता हूँ इनकी वीडियो, तो और भी लोग सपोर्ट करें, इनकी वीडियो अच्छी रहती है, अच्छा कॉन्टेंट रहता है यार। अभी तो आप तो सर्दी वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा ही है बहुत, और कोरोना का भी है, कोविड का भी वगैरह, क्योंकि मेरी गलती है तो मैंने मास्क नहीं लगा रखा है, कोई बात नहीं है, मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि यार भाई साहब कोविड-19 की थर्ड लहर अभी तो चल रही है, तो उस वजह से मेरे को भी मास्क लगाना जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लिए ही सुरक्षा है, क्योंकि विशेषकर भीड़ भाड़ इलाकों में तो उधर सुना है कि जयपुर वगैरह में तो लॉकडाउन भी लग चुका है, कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलें भी बंद की गई है वहाँ पर। तो भाई साहब एक कंडक्टर साहब ने हमारा टिकट काट दिया है यहाँ से 25 किलोमीटर आगे का, अभी हम देख सकते हो, और साथी भाइयों का भी टिकट काट रहे हैं। तो अभी यार ये बस रुकी हुई है काफ़ी देर से, पता नहीं क्यों रुकी हुई है, इसका तो कोई पता नहीं है, शायद कोई नाश्ता पानी करने के लिए गया, इस वजह से बस रुक गई है। करीब 10 मिनट हो गए इस बस को यहाँ पर रुकी हुई, अभी तक तो ये चली नहीं है यहाँ से। ये पीछे टोल प्लाजा है, तो टोल प्लाजा से थोड़ा आगे ही रुकी हुई है बस। तो भाई साहब यहाँ पर ये बस रुकी हुई है पता नहीं कितने देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टॉपेज है, मैं 200 के अंदर ही आ गया हूँ। चलिए वेट करते हैं कितना देर रुकते हैं बस। अभी कंडक्टर साहब ने बोला है कि आपको ये उतरना पड़ेगा, लास्ट स्टॉप है 200 में, जयपुर के लिए मुझे यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। चलिए फिर उतरते हैं यहाँ से और दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। तो भाई साहब मेरा स्टॉपेज आ चुका है जयपुर के लिए, मुझको यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे इसका दूसरा रूट है बस का। आजा भाई आजा, उतरने आजा, उतरने दो, उतरने दो भाई, उतरने देने को देंगे जोड़ू लाल जी। आजा भाई आजा, उतरने आजा भाई। भाई साहब मैं यहाँ उतर चुका हूँ, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से कुछ पैसे वगैरह निकालने पड़ेंगे ATM वगैरह से, क्योंकि मेरे पास कैश है नहीं, ऑनलाइन है, तो बस वाले ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं है, उस वजह से मेरे को कैश निकालने यहाँ पर कोई ATM देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यार रोड क्रॉस करने में काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि साधन वगैरह हैं ये रुक नहीं रहे हैं। चलिए फिलहाल जल्दी से रोड क्रॉस करता हूँ, क्योंकि
उधर अभी मेरे को एक भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर एक एटीएम है, तो वहाँ से मैं पैसे वगैरह निकाल सकता हूँ। उस वजह से यार उस साइड चलते हैं रोड से, क्योंकि इस साइड साधन वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को उधर चलना पड़ेगा। तो भाई साहब मेरे को पैसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मेरे पास था पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड, तो मैं चला गया था IDBI बैंक के डेबिट कार्ड ATM के अंदर। तो उधर क्या है कि जैसे मैंने कार्ड लगाया तो रेस्ट्रिक्टेड हो रहा था बार बार से, तो मैंने गार्ड से पूछा कि पेमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने बताया कि भाई साहब आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड है। तो इसने क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक के हमारे बैंक के डेबिट ATM को नहीं जोड़ रखा है, उस वजह से आपका कैश नहीं निकलेगा। तो फिर मैं ढूंढता हुआ इधर आया, आगे तो एक और ATM था बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो वहाँ से मैंने कैश निकाला है। तो फाइनली दोस्तों मेरे को बस मिल चुकी है जयपुर के लिए। अभी मैं फिलहाल राजस्थान के 2 जिले से जयपुर के लिए रवाना हो चुका हूँ। तो अभी तो बस रुकी हुई है, कंडक्टर से पूछा है मैंने, 2-5 मिनट में बस चलेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने पैसे वगैरह भी निकलवा लिए हैं, टिकट तो यहीं पे आके काटेंगे वो। मैंने पूछा है यहाँ से जयपुर करीब 80 किलोमीटर पड़ता है, तो उस वजह से मेरे को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। फाइनल दोस्तों करीब 15 मिनट बाद ही बस चलना स्टार्ट हो गई है, अभी टाइम हो गया है 2:16, देखते हैं कितनी देर में जयपुर पहुँचा देती है बस। तो भाई साहब अभी तो आधा रास्ता तय किया है, आधा रास्ता अभी बाकी है, तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, चारों तरफ बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है बाहर, मैं खिड़की को बंद कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ खिड़की से। भाई साहब मैं फिलहाल जयपुर की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। आपके अभी जयपुर से कुछ ही दूरी पर एक एंट्रेंस है, वहाँ पर क्या एक पहाड़ को काट कर एक सुरंग बनाई गई है, करीब 500 मीटर लंबी सुरंग है। साधन वगैरह होते हैं फोर व्हीलर, हालाँकि बाइक वगैरह बहुत अनुमति नहीं है उसके अंदर होकर जाने की, लेकिन जो भी फोर व्हीलर बस वगैरह है कुछ भी तो उसी सुरंग से होकर गुजरते हैं। तो वहाँ भी बस आने ही वाली है वो सुरंग, मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस सुरंग को कैसा है वो टनल। तो भाई साहब ज़्यादा लंबी स्टार्ट होने वाली है, आप देख सकते हैं मैं खिड़की के बाहर आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। दरवाज़ा दिख गया होगा, इस टनल से वो पर आगे गुजरेगी बस। बस में भी लाइटें वगैरह जोड़ दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है इस टनल में, टनल में भी बहुत सारी लाइट लगी हुई है।
मैं क्या है बस के एक साइड बैठा हुआ हूँ, तो एक साइड की टनल दिखा सकता हूँ आपको, बाद बाकी काफ़ी चौड़ी टनल है। ऐसा अभी एक टोल पर बस रुकी हुई है, बस कुछ ही देर में बस चल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर मेरा बस स्टॉप है, तो मैं उतरूँगा और वहाँ से अपने हॉस्टल के लिए टैक्सी वगैरह बुक करूँगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बस से मैं उतर चुका हूँ और अभी मैं जयपुर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से मेरे को कोई टैक्सी वगैरह बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल, उस वजह से पैदल तो मैं जा नहीं सकता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिया वगैरह बनी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मेरे को उस तरफ जाना पड़ेगा रोड पर, उस तरफ जाने के बाद मैं कोई टैक्सी वगैरह बुक करूँगा और उसके बाद मैं टैक्सी से चलूँगा। भाई साहब मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि साधन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो उस वजह से मेरे को साधनों आने में कोई परेशानी हो सकती है। अभी मैं ऑटो वगैरह बुक करूँगा उधर से, अगर मेरे को कोई पहले से ऑटो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो भाई साहब अभी जो ऑटो मिला था वो उसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी 1% भी, तो मैं दूसरा ऑटो बुक करने वाला हूँ, क्योंकि यार जगह नहीं है तो भीड़ भाड़ में COVID-19 की वजह से अच्छे जाना तो ठीक नहीं है, तो उस वजह से देखते हैं अभी तो कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर ओला वगैरह टैक्सी कुछ बुक करेंगे उसके बाद अपना बाकी का सफर तय करेंगे। यहाँ से यार करीब 8 किलोमीटर पड़ जाता है मेरा हॉस्टल। भाई साहब मेरे को गाड़ी मिल चुकी है, अभी चलने वाली है गाड़ी, अराउंड आधा घंटे में मैं अपने हॉस्टल तक पहुँच जाऊँगा, बस कुछ ही देर की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स में गाड़ी में बैठ चुका हूँ अभी, फ्रेंड्स थोड़ी देर खड़ा रहा मैं, थोड़ी देर तक तो मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली, दो गाड़ियाँ थी लेकिन वो फुल भरी हुई थी, वो मेरे से पीछे लटकने के लिए बोल रहा था, लेकिन नहीं लटका पीछे क्योंकि इतनी सुरक्षा अपने हाथ में और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं बैठा भी नहीं। अभी बस उसके जस्ट 5 मिनट बाद ये दूसरी गाड़ी है, तो इसमें बैठ चुका हूँ, अराउंड अभी 2-5 मिनट में चलने वाली है। ये भाई साहब गाड़ी रवाना हो चुकी है यहाँ से, बस आधा घंटा में मैं अपने हॉस्टल तक पहुँच जाऊँगा। काफ़ी खूबसूरत नगरी है जयपुर नगरी, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने महल है यहाँ पर, जो कि गुलाब रंग से पुते हुए हैं। एक बात और दोस्तों, जो ये जयपुर शहर है इसको हम गुलाबी नगरी से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड अभी तो क्या है कि सब कुछ अपने अपने हिसाब से कलर चेंज करने लगे हैं, वरना पहले सब गुलाब रंग से पुते हुए थे। अभी भी आप देख सकते हैं जो भी जितने भी पुरानी मंजिलें हैं वगैरह बिल्डिंग बनी हुई है सारी गुलाबी रंग से पुती हुई है। तो पेड़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं हॉस्टल नहीं पहुँचा हूँ, आप बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है।
भाई साहब आप देख सकते हैं मैं आप पहुंचा हूं मेरे हॉस्टल के कैंपस में। तो ये देख सकते हैं एक हॉस्टल तो इधर है और इससे आगे मेरा हॉस्टल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और मैं जिस रिक्शे में बैठा हुआ था उस रिक्शे की भी छत बहुत ख़राब थी तो उससे पानी टपक रहा था। तो उस वजह से मैंने अपना कैमरा बंद करके रख लिया क्योंकि भीग जाता और सर्दी भी उसमें बहुत तेज़ लग रही थी। तो इस वजह से करीब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया क्योंकि मैं बाहर किसी दुकान पर रुक गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश आई है यहाँ पर। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। भाई साहब सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये तो आपको कैमरे पे इतना ब्राइटनेस दिख रहा है वरना यहाँ पर अंधेरा अंधेरा हो रखा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग वहाँ पर आग बहुत जला कर ताप रहे हैं। तो भाई साहब मेरे को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, मुँह से धुआं वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं जस्ट कुछ ही देर में पहुँचने वाला हूँ अपने हॉस्टल में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह है। भाई साहब बारिश तो बहुत ज़्यादा आई है और अभी भी बारिश का बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है, ओले वगैरह आने की संभावना भी है राजस्थान में। अभी भी फ्रेंड दोबारा हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने हॉस्टल तक पहुंच चुका हूं। तो भाई ये है मेरा हॉस्टल जो आप सामने देख रहे हैं, ये कांच लग रहे हैं, इसमें मैं रहता हूँ थर्ड फ्लोर पे। तो अभी मैं आपको मेरा रूम भी दिखाता हूँ। तो भाई साहब मैं अपने हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ, अभी तो मेरे को थर्ड फ्लोर पे चढ़ना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हॉस्टल है और ये सीढ़ियाँ आ रही हैं नीचे से और ये ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ। इधर भी यार कोई लिफ्ट वगैरह का जुगाड़ तो है नहीं। तो थर्ड फ्लोर पर चढ़ते चढ़ते तो भाई साहब पैर दुखने लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ पर और अब मैं थर्ड फ्लोर पर आ चुका हूँ। गाइस एक सुविधा है यहाँ पर कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बालकनी वगैरह है जो कि गर्मियों के दिनों में सोने वगैरह काम आती है और यहाँ कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं हम। तो भाई साहब चलिए मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। भाई साहब ये है मेरा रूम। तो भाई साहब मैं अपने रूम के अंदर आ चुका हूँ और ये देख लीजिए मेरा रूम पार्टनर, ये मेरी नामची है। ये यहाँ दो दिनों से एंजॉय कर रहा है क्योंकि मेरा दो दिनों का ऑफ था तो उस वजह से मैं गाँव चला गया था। गेट बंद करता हूँ भाई। ये देखो भाई साहब दिन भर सोने का काम है इसको और कुछ है नहीं। तो मैं भी जल्दी से दोस्तों कपड़े उतार देता हूँ और जूते वगैरह चेंज कर लेता हूँ, कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।